हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय वे। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना DIY आई लैश ग्रोथ सीरम। तो ये है मेरा आई लैश सीरम। दिस इज़ द बेस्ट DIY प्रोडक्ट। अभी मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, आप ज़रूर इसको ट्राई करें और यू विल सी कि एक वीक के अंदर आपकी आई लैशेज में बहुत फ़र्क होगा। उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा और लेंथ भी। और वो बैग पे मेरा मेकअप रिमूवर है, DIY मेकअप रिमूवर। ये इवन के वाटर प्रूफ मेकअप को भी रिमूव करता है, बहुत सिंपल है। आई विल शेयर इस रिमूवर सून इंशाल्लाह। सो अभी हम इसको छोड़ते हैं, तो अभी हम आते हैं अपने लैश ग्रोथ सीरम पे और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे एक अच्छी सी एम्प्टी बॉटल। बहुत अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है कि आप अपनी आईज़ के पास इतने सेंसिटिव एरिया पे आप कुछ लगाएंगे, तो एवरीथिंग शुड बी क्लीन। तो उसके बाद हमें चाहिए ड्रॉपर, क्योंकि मेरी जो बॉटल है वो काफ़ी छोटी है, स्पून यूज़ नहीं हो सकता, तो मैंने ड्रॉपर यूज़ किया है ऑयल्स और बाकी इंग्रेडिएंट्स के लिए। तो अभी हम सबसे पहले जो ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल एक्चुअली मैं ड्रॉपर से ऐड कर रही हूँ, बाकी आपके मर्ज़ी आप कितनी क्वांटिटी में ऐड करना चाहते हैं। मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। जैसे अभी मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल, और उसके बाद मैं अभी ऐड कर रही हूँ आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल मैं उसके हाफ यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 1/2 टीस्पून। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें ऐड करेंगे हम कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल भी हम आलमंड ऑयल के बराबर यूज़ करेंगे, मतलब 1/2 टीस्पून, ठीक है। और उसके बाद बारी आती है हनी, शहद की। तो अभी इसमें हम मतलब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 to 4 ड्रॉप्स। तो अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा तकरीबन 1/4 टीस्पून, आई थिंक सो। ओके, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ रोज़ वाटर, यानी अरके गुलाब। अरके गुलाब के भी मैं 3 to 4 ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ। वेल, इसके साइज़ भी मत चाहें, छोटी सी बोतल है, पर इट विल बी इनफ फॉर अ मंथ, यू कैन से। यस, मुझे मंथ के लिए पूरी होती है, क्योंकि एक्चुअली मैं डेली लगाती नहीं हूँ, तो पर ये बहुत अच्छी चल जाती है इतनी सी बॉटल भी। अच्छा, उसके बाद यू हैव टू गिव इट अ गुड शेक, अच्छे से शेक करें, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स मिक्स करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आपने इनको अच्छे से मिक्स करना है, और अगर इंग्रेडिएंट्स मिक्स ना हुए तो फिर क्या फ़ायदा है इस सीरम का। तो आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ओके, अब ये हो चुका है मिक्स तकरीबन। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अप्लाई करना है, कैसे करना है। तो आप ले सकते हैं, क्यूटिप ले सकते हैं, या यू कैन ऑल्सो अप्लाई विथ योर फिंगर्स, तो जैसे आपको इजी लगे। सॉरी गाइस, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ा इरिटेट कर रही हो, एक्चुअली बहुत रात हो चुकी है और मैं अपने माइक्रोफोन में, हैंड्स फ्री के माइक्रोफोन में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अगर आपको इरिटेट कर रही है तो आई एम रियली रियली सॉरी गाइस, रियली सॉरी। तो एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो इस वजह से मुझे अभी करना पड़ रही है, तो आई एम रियली सॉरी। पर अभी आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी हम इसको अप्लाई करते हैं अपनी आईज पे। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसको सिर्फ आपने लगाना नहीं है, ठीक है, इससे आपने मसाज करना है अपने आईलिड्स का, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो, ये थोड़ी वीडियो स्पीड इसकी ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा लग रहा है।
कि मैं बहुत तेज तेज अप्लाई कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। तो इसको आपने अपने फुल लैशेस पे अप्लाई करना है, ठीक है, और मसाज करना है अपर आईलिड का भी, लोअर आईलिड का भी, बहुत अच्छे से मसाज करना है। और दिस थिंग इन योर माइंड कि आपने ये रात में ही अप्लाई करना है। एक्चुअली इसमें कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल जो है वो आइज को थोड़ा इरीटेट करता है, थोड़ा बर्निंग इफेक्ट होता है। तो आप रात को अप्लाई करें और सो जाएं कि मतलब आपको इरीटेशन ना हो आइज में, ठीक है, परेशान नहीं होना। कैस्टर ऑयल से थोड़ी सी इरीटेशन होती है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, सो वी आर डन विद आवर आईलैश ग्रोथ सीरम। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।